शून्य शून्य वास्तविकता है, शून्य ही आधार है। तू शून्य को स्वीकार ले, तुझे भी होना शून्य है। शिव भी तो शून्य है, शून्य जो कुछ नहीं है। शून्य न ज्यादा है ना ही कम है, शून्य अनंत है। ब्रह्म सत्य जगत मिथ्य, शून्य तेरी नियति है पर माया रोके खड़ी है। माया को तू त्याग दे, शून्य को स्वीकार ले। मेरे शून्य होने की कहानी शुरू हुई मुंबई से। हाँ यार, आज ही छोड़ गई है। नहीं ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। इमोशंस का क्या यार, इमोशंस की वैल्यू थोड़ी बची है आजकल। लड़कियां सारी होती ही जाती है, मतलब का प्यार है यार बस। मतलब है तो प्यार है, मतलब खत्म तो प्यार खत्म। नहीं ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। अरे नहीं नहीं, हाँ नहीं, काम का तो देख ही रहा हूँ यार अभी। और वही तेरे को पता ना, अपने एक्टर की जिंदगी कैसी होती है। हमारा काम ऐसे ही है, चला चांद तक ना चला रात तक। नहीं चल रहे हैं, देखो ऑडिशन वगैरह तो चल ही रहे हैं अभी, देख रहा हूँ प्रोजेक्ट मिल जाएगा। खर्चे का सोचा है वो, उसका नहीं है मुकुल जो था ना अपने कॉलेज में, उसने बताया। वो उसका अपना जूनियर नहीं था, दास गुप्ता कॉलेज में। हाँ हाँ, तो बॉम्बे में ही है, तो उसने बताया उसको घर चाहिए। तो मैंने कहा चलो एक रूम दे देता हूँ, मेरे को अब इतनी ज़रूरत भी नहीं है स्पेस की। हाँ आ रहा है वो, कल आ रहा है। तो मैंने कहा थोड़ा रेंट दे देगा, अपना भी काम निकल जाएगा, आजकल काम भी मंदा है। अरे नहीं इतना वीक नहीं होगा। हाँ कोई नहीं,
patient Dave is here without any appointment. Send him. Okay. Welcome back, Dave. ये कह रहा हूँ अपनी स्केचिंग भी स्टार्ट कर दी. ये जीरो मैं जीरो की थ्योरी पे रिसर्च कर रहा हूँ. कैसे बताओ कैसे आना हुआ? आई डोंट नो डॉक्टर, मैं बहुत रेस्टलेस फील कर रहा हूँ. पता नहीं क्या क्या चल रहा है मेरे दिमाग में. क्या हो रहा है, क्या चल रहा है दिमाग में? अगर मुझे पता हो तो डॉक्टर तुम आपके पास नहीं आते. आई थॉट यू आर द बिगेस्ट साइकोलॉजिस्ट दिस सिटी हैज, सो यू विल अंडरस्टैंड. पता तो चल सकता है देव, अगर तुम अपने आप अपने पास के बारे में बताओ. पास देव, पास बताओ क्या हुआ था उसका. मैंने आपसे कहा था डॉक्टर, हम स्टाफ के बारे में बात नहीं करें. आई थिंक मेरे को यहाँ आना नहीं चाहिए. और आपको क्या लगता है ये जीरो शून्य ये सब की और थ्योरी से आप मेरी हेल्प कर सकते हो? आई डोंट थिंक सो. आई थिंक आई शुड हैव नॉट बीन हियर. आई एम जस्ट गोइंग. वेट देव, टेक दिस देव, टेक दिस, मे हेल्प यू. विक्टोरिया जब मेरी जिंदगी में आई थी तो जिंदगी एक हसीन ख्वाब की तरह थी, और आज जब वो मुझे छोड़कर चली गई है तो जिंदगी एक डरावने सपने सी लग रही है. वो मेरे घर से तो चली गई पर मुझे ये एहसास हो रहा था कि वो मेरे जहन से कभी नहीं जा पाएगी. वो मजाक में हमेशा कहती थी कि देव मैं तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम बन जाऊंगी, और आज मुझे लग रहा है कि कहीं वो सच तो नहीं था या फिर एक मजाक था. सब कुछ एक मजाक. हाँ भाई, कॉफी आया? कॉफी? अरे थैंक.
थैंक यू देव भाई। सुदास बाबू कैसे आना हूँ मुंबई, जॉब शिफ्ट हुई है या फिर नई जॉब ली? अरे वो पिछले 2 साल से मुंबई में भाई। अच्छा, गर्लफ्रेंड के साथ लिविंग में रह रहा था, ब्रेकअप हो गया तो निकाल दिया। अब मुंबई इतना महंगा है कि घर ढूंढने निकला तो आपके बारे में पता चला तो बस आ गया। तो दास बाबू आपकी कहानी हमारी जैसी है बिल्कुल, मतलब तेरे वाली ने तुझे निकाल दिया, मेरे भी छोड़ के चली गई, मैं भी लिविन में था। चलो बढ़िया कहानी यार, व्हाट अ कोइंसिडेंस, तुम दास मैं देव, मिलके हो गए देवदास। शराब ना सी, कॉफी सी, अपने टूटे दिल की दवाई। अच्छा देव भाई, वो क्या मैं ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ, तो अगर आपको कोई प्रॉब्लम ना हो तो मैं शाम को सब अरेंज कर दूँ। हाँ हाँ, तेरा ही घर है, जो तेरा मन करे तो कर। चलो मैं निकलता हूँ फिर। हाँ भैया, इधर सामान पड़ा है, सफाई कैसे करूँ? हाँ तो दीदी रुको, आप दूसरा कमरा कर लो, मैं करता हूँ।